तो दोस्तों, क्या नेचुरल गैस रुकेगा या नहीं रुकेगा, या हमें जो है वो शॉर्ट जो किया है इन लोगों ने, क्या उनको यहां से एग्जिट करने का मौका देगा या नहीं देगा, दोस्तों जानेंगे हम यहां पर पूरे डिटेल के अंदर, और मेरा क्या ओपिनियन रहेगा इसके बारे में भी जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा नेचुरल गैस के लिए वो रहेगा सपोर्ट जोन का, जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर। तो ये जो लेवल है वो हमें ध्यान में लेना है दोस्तों, जो कि लेवल निकल के आता है 374.70 से 369.30। ये जो लगभग लगभग 5 साढ़े 5 6 पॉइंट की जो रेंज रहेगी वो आप ध्यान में रखना नेक्स्ट वीक के लिए। फिर से बता देता हूँ, 374.70 से 369.30 ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये वाला सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे जो है वो आपको करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर लेवल हमें ध्यान में लेने चाहिए 364, लेवल जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। उसके नीचे जो है वो 358.90, मतलब 359 के आसपास, उसके नीचे 353 और 347। मेन जो दोस्तों हमें लेवल ध्यान में लेना है अब वो है 330 332 के आसपास का लेवल। जब तक ये 330 332 के लेवल के ऊपर ही रुका होगा तब तक दोस्तों मेरा ये मानना है कि गलती से हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाय करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट हमें नहीं करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि शॉर्ट के लिए दोस्तों कोई माफी नहीं है। ठीक है, जो भी दोस्तों ने जो है वो ध्यान से सुना होगा तो आपको जो है वो वीडियो फायदा जरूर होता होगा दोस्तों। बाकी शॉर्ट किया तो कोई भी आपको जो है वो इसके अंदर माफी नहीं मिलेगी, ये बात जो है वो आप ध्यान रखना। बात कर लेते हैं टारगेट के ऊपर। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों वो करीबन रहेगा 386.60 के आसपास। अगर वो लेवल सस्टेन कर पाते, जिसकी उम्मीद लग रही है कि सस्टेन कर जाएगा, तो फिर यहाँ से जो है वो एक लेवल दोस्तों आपको खास ध्यान में रखना है, वो है 392.90, मतलब मोटा मोटी मान के चले तो 393 के आसपास का लेवल। ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डार्क लाइन समझ जाना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम ये वाला लेवल जो है वो सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं 393 के आसपास का, तो वहाँ से जो है वो बड़ी भयंकर तेजी हो सकती है। 399.20 उसके ऊपर चलते हैं, 404.60 ये जो रिसेंट हाई बनाया था 412 का, वो भी काट सकता है। और अगर इसने 412 420 का जो लेवल है दोस्तों वो नेचुरल गैस काट देता है तो वहां से नया हाई भी बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 393 के ऊपर चलता है तो 415 420 के आसपास जा सकता है, और 420 को अगर ये अच्छी तरीके से सस्टेन कर ले दोस्तों तो हमें ध्यान रखना है शॉर्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट किया तो आपको ये माफ नहीं करेगा। और अगर फिर भी आप शॉर्ट कर रहे हो तो अभी जो है वो आप अपनी पोजीशन को हैज कर लो। हैज कैसे करते हैं वो आपको अगर सीखना हो जानना हो तो हमारा MCX नाम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो लिंक के अंदर जो है वो हम वहां पर डिटेल में बताते भी कि कैसे हैज करना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट टारगेट सीखना चाहते हो दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप ऐसे ही सपोर्ट टारगेट कहाँ पर मार्क करें वो भी सीख सकते हो। लेकिन मेन बात दोस्तों हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब तक ये 330 332 के ऊपर रुका है तब तक हमें इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है वो मेरा क्लियरली मानना है। अगर उसके नीचे आता है तो वो बात अलग है, वो अलग केस है, उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे। तो ये रही दोस्तों हमारी मोटा मोटी नेचुरल गैस के बारे में बातचीत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना बिल्कुल मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।